Good morning, dear student. So let's start our lesson number 2 of GSE, that is human body, the skeletal system. So what is the skeletal system? So the skeletal, here is the diagram of a picture of actually a skeletal system. A skeletal system consists of bones in from head to toe, bones, cartilage and the joint where two bone meets with each other, okay, from where we can move our body. So a human skeleton is the internal framework. It body ke andar hai, it's an internal framework, pura frame hai ek, okay, of human body that consists of jisme kya kya hota hai, bones, their associated cartilages and the joints. It supports and protects the body, produces blood cells and store minerals. These are the function of a skeletal system. See, our body is made up of muscles and bones. Muscles are very soft and they cannot stand by themselves. So our body, so this skeletal system, it is made up of bone, which is a very strong part. So it gives support to our body so that we can move, we can stand erect and move. Inside these all these bones, there is a fleshy material which is known as bone marrow. So the red blood cells produces by the body is produced by these bone marrow inside the bone. And how it store minerals? Actually, most many of the minerals we get from food daily, but some of the minerals are stored by these bones. Suppose vitamin C, the calcium that we get from the dairy product, it is stored in these bones of our body. Whenever there is a deficiency of calcium from our food, so our body start taking that calcium from these bone to compensate the loss of कैल्शियम. विटामिन डी ऑल्सो इट इज स्टोर्ड इन दिस बोन्स ऑल्सो. आपने सुना भी होगा कि आपसे आपके बड़े जो घर में है, आपकी मम्मी या पापा आपसे कहते हैं कि खूब अच्छे से दूध पियो, आपके बोन्स स्ट्रांग होंगे. वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक एज तक, approximately at the age of 30, these bones are soft, they are capable to absorb the calcium of a milk product. But after that, the rest of our life we have to use that calcium. After that, उसके बाद जो भी आप calcium, कितना भी दूध पिए, कुछ भी करें, आपकी body calcium को, जो bones हैं actually, body कहते हैं हम, but actually the bones, वो calcium को absorb नहीं कर पाएंगी. तो rest of our life we have, our body utilize the calcium which is stored in the previous years of our ए, जो चाइल्डहुड में हमने जितना अच्छे से खाया है पिया है तो बॉडी में स्टोर है सब, तो वही रेस्ट ऑफ द लाइफ हमें हम यूज करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर. सो नेक्स्ट आर द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी. ठीक है, वन मिनट. ओके, यस. सो टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज मीन्स आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स और मसल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है. तो बॉडी में क्या है, हमने पढ़ा कि जो हमारा बॉडी है वो एक स्केलेटल सिस्टम से मिलके बना हुआ है. ठीक है, उसमें क्या है, स्केलेटल सिस्टम है. तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, वो क्या है, हमारे मसल्स. तो कितने टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो मसल्स मीन्स द फ्लैशी मटीरियल. ठीक है, जो फ्लैश जो टिश्यूज है हमारी बॉडी में, तो स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स है हमारी बॉडी में, मसल टिश्यू, वो मेनली थ्री टाइप के मसल टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर डायग्राम है जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कार्डियक मसल एक्चुअली बायोलॉजिकली कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं और स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं. स्मूथ मसल, जैसे उनका नाम है, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एरो से बना हुआ है, ये स्टमक में हमारे गट के अंदर जो कुछ बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनकी इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग सॉफ्ट, ये स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है. ठीक है, स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं, वो मसल्स जो बोन्स को अटैच करते हैं, बोन से अटैच रहते हैं मेनली. और कार्डियक मसल, जैसे इनका नाम ही है कार्डियक, तो ये हार्ट के अंदर जितने भी हमारे मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं. ठीक है, तो देखिए स्केलेटल मसल्स क्या है, मसल्स आर अटैच मेनली टू द स्केलेटल बोन्स एंड कॉजेस मूवमेंट ऑफ द
बॉडी, जितनी भी हमारे बॉडी में बोन्स के साथ ये मसल्स टाइटली स्टिक है, जैसे हमारे फिंगर में है आप देखेंगे, जो मूवमेंट में हमें हेल्प कर रहा है, वो क्या है, सारे स्केलेटल मसल्स हैं. स्केलेटल मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्लैट इन शेप. ओके, दे आर द वॉलेंट्री मसल्स. अब देखो वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, कि ये हमारे विल पे काम करते हैं, हम जब चाहें अपने हैंड को ऊपर करें, जब चाहें अपने हैंड को नीचे करें, जब चाहें चलें, जब चाहें बैठें, मूवमेंट है ये हम पे डिपेंड करता है, हम क्या करना चाहते हैं, तो इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, हमारे विल के ऊपर ये काम करते हैं. बिकॉज दीज मसल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल, ये कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट है कार्डियक मसल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. आपको पता है ना, हमारा हार्ट एक लब डब साउंड करता है, एक बार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एवरी सेकेंड. ठीक है, तो ये रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, ये किन मसल्स के थ्रू होता है, कार्डियक मसल्स के थ्रू. और दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स मीन्स दे आर नॉट कंट्रोल्ड इन आवर विल. ऐसा नहीं कि हम जब चाहें अपने हार्ट से बोल दें स्टार्ट पंपिंग द ब्लड एंड इट स्टार्टेड, एंड वेन यू डोंट वॉन्ट यू कैन से स्टॉप पंपिंग द मसल एंड इट स्टॉप. ये आपके कंट्रोल में नहीं है, जब तक आपका लाइफ रहेगा फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ इट वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ. इट जनरेट इट्स ओन स्टिमुली टू इनिशिएट अ मसल कॉन्ट्रैक्शन. वो अपने आप सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब उन्हें रिलैक्स होना है. ठीक है, तीसरा है स्मूथ मसल्स. तो स्मूथ मसल्स हमने जैसे आपको बताया कि दीज मसल्स लाइन द वॉल ऑफ अ हॉलो ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल द लाइन ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक. ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में और ब्लड वेसल्स, जो स्मूथ ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है. और ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मीन्स ये भी आपके विल में काम, विल के अंडर नहीं है, ये भी कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है अपना. ठीक है, नाउ वट नेक्स्ट वी हैव इज द पार्ट ऑफ दैट स्केलेटन. तो पहला पार्ट है हमारे स्केलेटन का, हमारे पास हमारा स्कल फ्रॉम हेड टू टो विल गो. सो फर्स्ट पार्ट इज अवर स्केल. सो स्कल क्या है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. क्योंकि ब्रेन क्या है, इट इज अवर मास्टर, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट बॉडी. तो सब इसको कवर करने के लिए, ठीक है, एक्चुअली जितना भी आपको एक और फंक्शन है हमारे स्केलेटल का, कि ये डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, और हमारे जो लंग्स हैं जो कि एक बलून की तरह पाउच होते हैं, उनको हमारा रिब्स रिब जो है हमारे वो प्रोटेक्ट करते हैं. स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. जो पूरा स्कल है, डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें 22 बोन्स होते हैं और बहुत सारे हॉलो डक्ट होते हैं. ठीक है, ईयर होल्स एक्चुअली उन्हें बोलते हैं, ईयर के लिए होल्स है, आईज के लिए होल्स है, ईयर्स के लिए होल्स है. ठीक है, इट हैज टू पार्ट. इसका दो पार्ट होते हैं, पूरा अपर जॉ से लेके पूरा हेड पीछे तक ये एक पार्ट है इसका, और ये जो नीचे का जॉ है ये दूसरा पार्ट है. ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है वो नॉन मूवेबल पार्ट होता है, मींस ये फिक्स्ड रहता है, कहीं को भी हम इसके अंदर आंखों को निकाल के अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, नोज को ऐसे इधर उधर नहीं घुमा सकते हैं, ये फिक्स्ड पार्ट है. सिर्फ इसका जो नीचे लोअर पार्ट है जॉ का, दैट इज मूवेबल, विच हेल्प अस टू च्यू द फूड व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग. ठीक है, सो अपर एंड लोअर जॉ होते हैं स्कल के. द अपर जॉ इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स एंड द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स. ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड except the lower jaw. The movable lower jaw enable us to talk and eat. जब भी हम खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, that is because of the movement of this lower jaw. Otherwise, the upper part of the skull it is non-movable part. ठीक है, so that's all for today. We'll continue the chapter in the next lecture. I'm sending you the photos of the first chapter for those who don't have the books. So please go through it line by line and try to understand what I have explained you. So take care. Goodbye.